आज हम बनाएंगे कद्दू का चोखा, जो बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। प्लीज़ मेरी रेसिपी को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय दोस्तों, राधे राधे। आज हम बनाएंगे इस लौकी का भरता यानी चोखा। इसके लिए हम देखिए एक छोटा सा पतला सा लौकी लिए हैं, जो हार्ड नहीं है, बच्चा जैसा है। अब इसे हम गैस पर पका लेंगे। एक जाली रखे हैं, इस पर रखकर अच्छे से आंच को मीडियम में रखेंगे और इसे ऊपरी परत को इतना पकाएंगे कि ऊपरी परत ये अच्छे से जल जाए। मीडियम आंच रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं और ना ज़्यादा लो। अच्छे से इसे पका लेंगे, ऊपरी परत को जलाकर ही पकाएंगे, जब तक ये जलेगा नहीं, अंदर तक नहीं पकेगा। ये देखिए इसी तरह से पूरे कद्दू को बना लेंगे, पका लेंगे अच्छे से। इसी तरह से हम पूरे कद्दू को पका लेंगे। ये देखिए अच्छे से पक गया है, ये पूरा नहीं पका है, ये 40-50% तक पक गया है। इसको अच्छे से जरा जरा कर पकाएंगे, ताकि इसका जो ऊपरी वाला जो चट्टा रहता है वो अच्छे से साफ हो जाएगा। अब ये हो गया है, गैस को बंद कर देंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें जो गर्माहट है वो अंदर तक चल जाए। ज़्यादा देरी नहीं रखेंगे, इसे ठंडे पानी में डालेंगे। अब इसका छिलका अच्छे से साफ कर लेंगे छुरी की मदद से। देखिए इतना पानी गंदा निकला है, अब इसे दूसरे पानी में डालेंगे, इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। तो 2-3 पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लेंगे इसे। तो देखिए ये ऊपरी परत छूट गया है, इसे 1-2 पानी से और धो देंगे। देखिए कितना अच्छा लचीला हो गया है। ये देखिए इसको अच्छे से धो लिए हैं, अब इसे काट लेंगे। छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे, इस तरह से इसे महीन से काट लेंगे, महीन कर लेंगे इसे। इसके लिए प्याज लिए हैं, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च, ये धनिया का पत्ता और ये लहसुन, इस सबको हम बारीक से काट लेंगे। ये देखिए सबको बारीक से काट लिए हैं। अब कढ़ाई को चढ़ाएंगे, कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे तेल। तेल अच्छे से पक गया है, इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा सा हींग, लहसुन, प्याज बारीक कटा हुआ, अब इसको अच्छे से भूंज लेंगे। हरा मिर्च, प्याज देखिए अच्छे से भूंजा गया है, आंच को हम मीडियम में कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, अब इस सबको अच्छे से भूंज लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, तीखी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया, जीरा गुलकी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, इस सबको चला लेंगे। अब डालेंगे कद्दू, आज को मीडियम में कैसे रखना है,
अब इसमें इस कद्दू को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए चोखा सारा पानी सूख गया है। अब इसे हल्के हल्के हाथों से दबा दबा कर चिकना थोड़ा सा इसे छोटा छोटा कर देंगे, निचोड़ देंगे। खाने में सब ये चोखा बहुत अच्छा लगता है, इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। प्लीज़ मेरी रेसिपी अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए चोखा बनके तैयार हो गया है, जिसे गर्मा गर्म परोस सकते हैं, पराठा के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी। अब इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ता डाल देंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। ये तैयार हो गया है बन के। अभी कद्दू का चोखा देखिए बन गया है। अब इसे गर्मा गर्म परोठा के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं। प्लीज़ मेरी रेसिपी अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।